राम राम दोस्तों, हिंदू मुस्लिम झगड़ा और बवाल बढ़ ही गया है। आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे। बात हम कर रहे हैं मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की। इन्होंने जो जहरीले बोल बोले थे उसके बारे में हमने कल आपको बताया, लेकिन इनके बचाव में भी बहुत सारे लोग आए हैं। वो बचाव में क्या कह रहे हैं ये हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अजहरी के भाषण, जो कि जहरीले थे, उस जहरीले भाषण को ये लोग मीठा भाषण बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल जहरीले बोल नहीं है। हम आपको अंत में या फिर वीडियो के बीच में आपको कहीं भी बताएंगे कि जो अजहरी ने भाषण दिया था जिस पे बवाल हुआ है, वो आखिर में क्या है, कौन सा बात है। लेकिन देखिए पहले कि कुछ लोगों ने क्या-क्या बोला है, कुछ इम्पोर्टेंट लोगों ने क्या-क्या बोला है। दो लोगों की हम बात यहाँ पे करेंगे जो मुसलमानों में एक अहमियत रखते हैं, और उन लोगों ने अजहरी को बचाने के पक्ष में क्या बोला है। सबसे पहले हम AIMIM के नेता वारिस पठान की बात कर लेते हैं। इन्होंने ये कहा कि जो मुफ्ती को गिरफ्तार किया गया वो नहीं करना चाहिए था। कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको पहले नोटिस देना चाहिए था, और नोटिस देने के बाद जवाब तलब करना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। साथ ही साथ इन्होंने, वारिस पठान ने यह भी बोला कि उन्होंने तो कोई जहरीले बोल बोले ही नहीं थे, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। और अगर भारत में, यानी अगर देश में कोई जहरीले बोल बोलता है तो पुलिस शांत बैठी रहती है, कुछ नहीं करती। लेकिन इन्होंने बोला भी नहीं और इनको उठा लिया, कुछ ऐसा ही उन्होंने बात बोली थी अपने शब्दों में। मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूं। वारिस पठान का ये कहना था कि कुछ नहीं बोला उन्होंने। ठीक है भाई, हम आपको बताएंगे कि क्या बोला था। लेकिन एक और व्यक्ति की, जो कि मुसलमानों में अहमियत रखते हैं, उन्होंने बचाने की कोशिश की अपने बातों से। उन्होंने क्या कहा, हम बात कर रहे हैं तौकीर रजा की। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ही पहले ये कहा कि मौलाना जो हैं, जो अजहरी हैं, उन्होंने कोई हेट स्पीच नहीं दिया, और दिया भी है तो पहले नोटिस देना चाहिए था और जवाब तलब करना चाहिए था मुकदमा दर्ज करके। सबसे पहले तो यही बोला इन्होंने, फिर और भी बहुत कुछ बोल गए। हम बताते हैं कि क्या बोल गए, और फिर हम आपको साफ साफ बताएंगे कि आप ही से हम पूछ लेंगे कि क्या ये मीठे शक्कर जैसे बोल हैं या फिर कड़वे मिर्चे जैसे। यहां पे तौकीर रजा कहते हैं कि इन्हें ये समझ नहीं आता कि उन मौलाना को एटीएस ने क्यों गिरफ्तार किया है। एटीएस हमारे देश की एक एजेंसी है, जो कि पुलिस तो है, लेकिन एटीएस का मतलब आपको हम बताएंगे। ठीक है, ये एक खास एजेंसी है। लेकिन साथ ही साथ तौकीर रजा ने ये भी बोला कि सबसे पहले तो पुलिस ने इस देश में देवबंद के ऊपर दबाव बनाया, कब्जा किया, दबाव बनाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, और उसके बाद अब सूफी संत जो हैं, सूफिज्म जो है, इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। यानी हमारे कम्युनिटी के ऊपर, साधारण भाषा में आपको बताएं तो, कि हमारे कम्युनिटी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है बिना किसी बात के, गुलामों की तरह। यही कहने का पूरा तात्पर्य है। लेकिन उन्होंने एक बीच में बात कही कि एटीएस ने क्यों गिरफ्तार किया, क्योंकि उन्हें तो नॉर्मल पुलिस गिरफ्तार करने चाहिए थी। आपको हम बताते हैं कि एटीएस है क्या। पहले एटीएस का फुल फॉर्म है एंटी टेररिज्म स्क्वाड। ये एक स्पेशल टीम होती है जो कि एंटी टेररिज्म को खोलती है। कोई भी टेररिस्ट के साथ में संपर्क में है, या फिर कोई भी विदेश से फंडिंग आ रही है, या फिर देश में टेररिस्ट जैसा गतिविधि हो
तो इसमें एटीएस का हस्तक्षेप होता है, और भी देश की कई एजेंसियां हैं, लेकिन यहां पे एटीएस ने ही गिरफ्तार क्यों किया थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। दरअसल इसमें पुलिस को मेरे अनुसार ये शक रहा होगा कि ये जो भाषण दे रहे हैं वो भड़काऊ है। अब भड़काऊ भाषण देने के पीछे किसका हाथ है? कोई ना कोई फंड तो करता है, तभी आप भड़काऊ भाषण देते हो या फिर अपने मन से देते हो। लेकिन अगर जहां फंडिंग की बात आती है वहां पे एटीएस भी आ जाती है। और इनमें ये जो मौलाना का जो भी भड़काऊ भाषण है, इसमें कहीं ना कहीं ये शक रहा होगा कि इनको कोई फंडिंग कर रहा है। मैं ये नहीं दावा कर रहा हूं कि कर रहा है सही में, लेकिन अगर कर रहा है तो एटीएस इसमें आई होगी, उसको जांचने पर रखने के लिए। दोषी अभी साबित नहीं हुए हैं, जांचने पर रखने के लिए एटीएस घुसी है इसमें भड़काऊ भाषण में कि कौन फंडिंग कर रहा है कौन क्या, आप समझ गए होंगे। तो इनका ये कहना है कि नॉर्मल पुलिस ने क्यों नहीं किया? भाई नॉर्मल आदमी तो नहीं है ये जो मुफ्ती मौलाना है, बात यही है ना। अब हम आते हैं आगे थोड़ा सा। जो एटीएस है ना, इसको जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी, ये लोग संभालते हैं, ठीक है। तो एटीएस एक ऐसी संगठन है। इन तौकीर रजा का ये भी कहना है कि जिस तरीके से इन मुफ्ती मौलाना को गिरफ्तार किया गया, उसी तरीके से कोई हमको भी आकर के गिरफ्तार कर सकता है, और कुछ हमारे मोबाइल लैपटॉप में दिखा सकता है कि ये चीज़ संदिग्ध है, यहाँ से फंडिंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। मतलब मैं भी या फिर कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है हमारी कम्युनिटी का, यानी सीधे सीधे मुसलमान की कम्युनिटी की बात हो रही थी कि हम लोगों पे जुल्म हो रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि हम इस देश में किसको अपना दुख सुनाएं, किसके सामने दुख सुनाए कि हमें मदद मिले, हमें कुछ पता नहीं है कि हम किसके पास अपनी परेशानी लेकर के जाएं। एक मोटा मोटा तौर पे हम देखें ना, तो इसमें जो बचाने के लिए आ रहे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी को, ये सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, और गलती की थी तो उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। खैर उन्होंने गलती नहीं की थी, मैं कुछ सुना देता हूं आपको कि इस गलती की वजह से पुलिस लेके गई है। अगर वो गलती आपको गलती ना लगे तो बताना। उन्होंने एक शेर बोला था जिसके ऊपर हंगामा भड़का था। शेर कुछ इस प्रकार से था, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। क्या ये भड़काऊ भाषण है या नहीं है आप लोग बताइए। आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा, और उनका दौर आएगा तो वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे, किसका, कौन से कुत्ते का आज दिन है? क्या ये भड़काऊ नहीं है? मुझे तो लग रहा है कुछ इसके पीछे। बाकी आप लोग बताइए कि ये क्या है, कैसा है। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप लोगों को ये तो पता ही चल गया होगा कि जो बचाने वाले हैं वो क्या आकर के कह रहे हैं। आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए और जुड़े रहिए। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।